उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 26 लोगों के शव बरामद, 180 लोग अभी लापता। चमोली के तपोवन टनल में भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल में फंसे हैं करीब 35 मजदूर। चमोली में रेस्क्यू के दौरान कीचड़ बन रहे हैं बड़ी मुसीबत, रेकी करने वाली टीम कैमरे और कूची कुत्तों की भी ले रहे हैं मदद। मशीनों की मदद से सुरंग से कीचड़ हटाए गए, रास्ता बनाकर लोगों को बचाने की कोशिश जारी। चमोली में आईटीबीपी के जवान बने हैं देवदूत, हादसे के बाद मुख्यालय से संपर्क कटे गांव में पहुंचा रहे हैं राशन और जरूरी सामान। आईटीबीपी के एडीजी का बयान, कहा रैनी गांव में पुल ढहने से 13 गांव का संपर्क टूटा, हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है राशन। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रात में जोशीमठ में रहे, आज प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। चमोली के हालात पर उत्तराखंड के सीएम की हाई लेवल बैठक, राहत कार्य के लिए एसडीआरएफ को 20 करोड़ दिए गए। उत्तराखंड के सीएम ने कहा पीएम मोदी लगातार संपर्क में हैं, पल पल के हालात की खबर दी जा रही है। राहत और बचाव के लिए डीआरडीओ, आईएस, इसरो और समेत कई एजेंसियां एक्सपर्ट की मदद ली गई हैं। हादसों से बचाव के लिए फ्यूचर प्लान का भी किया जा रहा है तैयार। डीआरडीओ की टीम ने हवाई सर्वेक्षण किया, कहा संकीर्ण घाटी में एक लटकता ग्लेशियर मुख्य ग्लेशियर के साथ ढह गया था। डीआरडीओ एक्सपर्ट एलके सिन्हा बोले, पहले झील जैसी स्थिति बनी, फिर तेजी से सैलाब आया, अभी लगातार किया जा रहा है एनालिसिस। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों का डेलीगेशन पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा से मिला, अनिल बलूनी के नेतृत्व में मुलाकात। पीएम मोदी को राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी गई, प्रभावितों की और ज्यादा मदद की अपील। मुलाकात के दौरान पीएम ने दिया भरोसा, कहा उत्तराखंड में वैज्ञानिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च में तेजी लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एवलांच से बचने की ट्रेनिंग, गांव वालों को सेना ने बचाव का प्रशिक्षण दिया। उत्तराखंड में लापता हुए लोगों में झारखंड के लोहरदगा में भी 9 मजदूर शामिल, चमोली में एनटीपीसी के डैम निर्माण में मजदूरी करने गए थे। चमोली में फंसे झारखंड के लोगों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हर संभव मदद का ऐलान भी किया। यूपी सरकार ने लापता लोगों की जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया। दिल्ली पुलिस ने सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात अतिरिक्त बलों को हटाया, 26 जनवरी की हिंसा के बाद की गई थी तैनाती। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसान महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत सभा को संबोधित करेंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी की अपील के बाद किसान नेताओं का बयान, कहा बातचीत के लिए है तैयार, सरकार तय करे बातचीत की तारीख। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले पीएम मोदी, एमएसपी था, है और रहेगा। पीएम मोदी ने किसानों से बातचीत कर आंदोलन खत्म करने की अपील की, कहा आंदोलन में शामिल बुजुर्ग अपने घर लौटें। पीएम मोदी ने कहा श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बाद आंदोलनजीवी की नई जमात पैदा हुई है, इनकी पूरी टोली हर आंदोलन में नजर आएगी। पीएम ने आंदोलनकारी किसानों से कहा, किसान भाई समझे रुकावटों से विकास नहीं होता, कृषि कानूनों की कमियों को दूर करेंगे। पीएम मोदी ने कहा जो भी राजनीतिक दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो इसी बिल के कुछ न कुछ प्रावधानों को अपने राज्य में लागू करें। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के विरोधियों से पूछा, जिन 12 करोड़ किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, क्या उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद हमारी सरकार ने 10 करोड़ किसान के खाते में सीधे पैसे पहुंचाए। पीएम मोदी ने कहा शरद पवार और कांग्रेस नेताओं ने कृषि सुधारों की वकालत की थी, पूछा अचानक यूटर्न क्यों लिया। पीएम ने कहा गरीबी हटाए बिना देश का विकास संभव नहीं, हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। पीएम की अपील पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कानूनों को वापस लेते ही समस्या का समाधान होगा। एमएसपी पर राकेश टिकैत का बयान, कहा पीएम ने कानून बनाने पर कुछ नहीं कहा, देश संविधान और कानून से चलता है। पीएम मोदी के भाषण को मल्लिकार्जुन खड़गे ने निराशाजनक बताया, कहा उम्मीद थी कि सरकार कृषि कानून वापस लेगी। शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम पर किसानों का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप, कहा प्रधानमंत्री ने विश्वासघात किया। 10 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सोमवार को राज्यसभा में बयान दिया। राज्यसभा में आज प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बिल 2020 पेश होगा, इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण बिल रखे जाएंगे। सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही रात 12 बजे तक चली, 3 घंटे बढ़ाया गया समय। सभी दलों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की बैठक, सदन के संचालन को लेकर सहमति बनी। बीजेपी की तरह अब कांग्रेस भी बनाएगी सोशल मीडिया आर्मी, 5 लाख मेंबर्स की तैनाती होगी, आज लॉन्च होगा कैंपेन। बीजेपी की डिजिटल आर्मी का मुकाबला करेगी टीम, राहुल बोले ट्रोल आर्मी के खिलाफ लड़ाई जरूरी। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे से पहले आज भरतपुर में किसान महापंचायत, सचिन पायलट सभा को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को राजस्थान में 2 किसान रैलियां करेंगे राहुल गांधी, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में जनसभाएं। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का फैसला, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार समेत दूसरे सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स की जांच होगी, सभी ने पॉपस्टार रिहाना के ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया था। ट्वीट्स को लेकर कांग्रेस की शिकायत के बाद महाराष्ट्र का इंटेलिजेंस विभाग करेगा जांच, शिकायत में बीजेपी पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया।
किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर की प्रतिक्रिया पर बोले अधीर रंजन चौधरी, दोनों को गुमराह किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा, क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि एक 18 साल की लड़की ग्रेटर थनबर्ग को दुश्मन बताया जा रहा है। बीजेपी ने भारत रत्न की जांच के फैसले पर जताया ऐतराज, आशीष सेलार ने शिवसेना को सत्ता के लिए मजबूर बताया। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज होगा विस्तार, राजभवन में दोपहर 12:30 बजे नए मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ। बीजेपी कोटे से 9 और जेडीयू से 8 मंत्री लेंगे शपथ। मिशन बंगाल में बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज बीरभूम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा तारापीठ पहुंची, आज जेपी नड्डा यहां से आगे के लिए रवाना होंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने कसी कमर, पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी की पूर्वी वर्धमान, मालदा और मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल से 2.5 लाख किसानों के नाम पीएम किसान योजना के लिए भेजे गए, असेंबली में सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के नदिया में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प, दोनों ओर से कई लोग जख्मी हुए। नागपुर में बीजेपी और एनसीपी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने, डिप्टी सीएम अजीत पवार के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, जवाब में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पीएम मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की, शुभकामनाएं भी दी। क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं के बारे में हुई चर्चा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आगे भी सहयोग करने पर सहमति बनी। 10 फरवरी को पीएम मोदी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का करेंगे उद्घाटन। 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी केंद्र कैबिनेट की बैठक, कई योजनाओं पर लग सकती है मुहर। पाकिस्तान ने 2020 में 5,133 बार तोड़ा सीज फायर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सुरक्षा बल ने 46 जवानों की गई जान। एलओसी पर पाकिस्तान की हरकत पर बोले राजनाथ सिंह, आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान करता है सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान के सीज फायर वायोलेशन की घटना में साल 2019-20 में 198 नागरिक घायल, राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। राज्यसभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मार्च तक 17 और रफाल आएंगे, अप्रैल 2022 तक भारत आ जाएंगे सभी रफाल विमान। भारत और अमेरिकी सेना के बीच राजस्थान में युद्ध अभ्यास जारी, बीकानेर में 21 फरवरी तक चलेगी एक्सरसाइज। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2021 पास, जम्मू कश्मीर के अधिकारी अब दूसरे राज्यों में किए जा सकेंगे तैनात। राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अपील, कहा जम्मू कश्मीर में विकास ठप है, राज्य का दर्जा बहाल हो। देश में कोरोना केस में भारी कमी दर्ज, एक दिन में सिर्फ 8,042 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 52 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 13,395 मरीज रिकवर, एक्टिव केस का आंकड़ा 1,41,000। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,216 नए मामले, 24 घंटे में 15 मरीजों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 3,742 नए केस, करीब 50,000 लोगों के सैंपल की टेस्टिंग की गई। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 125 लोग पाए गए कोरोना से संक्रमित, 3 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 464 नए मामले, 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत। देश में अब तक 60,35,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके, सबसे तेज 60 लाख टीका लगाने वाला देश बना भारत। डोमिनिका आइसलैंड के लिए भारत ने भेजी वैक्सीन, करेबियाई देश बारबाडोस की कोविशील्ड के 1 लाख डोज भेजे गए। यूपी में आज से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। हिमाचल के कॉलेजों में पढ़ाई की शुरुआत, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए क्लासेस जारी। दुनिया में कोरोना के 10,69,00,000 से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा 23,34,000 के पार। वुहान का दौरा खत्म करने से पहले WHO की टीम कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, बुधवार को वापस लौटेगी टीम। मुंबई में पोर्न मूवी रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने एक टीवी एक्ट्रेस समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक युवक के खतरनाक स्टंट का वीडियो आया सामने, रेलवे ने दिए जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे से मारपीट के साथ जमकर फायरिंग, 2 लोगों की गोली लगने से मौत। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के कैंप ढाए गए, तकलोत के जंगलों में बने थे कैंप। तमिलनाडु में मंदिरों के हाथी के लिए 48 दिनों का खास शिविर, 26 हाथी स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में प्राचीन परंपरा को सहेजने की कोशिश, मैसूर के सीतारा मंदिर में नगारा संकीर्तन का आयोजन। ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत के टेबल पर आने के लिए प्रतिबंध हटाने की शर्त मंजूर नहीं। बाइडेन के बयान का ईरान ने दिया जवाब, कहा हम बोलने में नहीं बल्कि करने में भरोसा रखते हैं। जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर निशाना साधा, कहा उनमें लोकतंत्र की समझ नहीं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर, साल 2007 के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन। म्यांमार की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन का सामना करना पड़ा, मैंडले शहर में कर्फ्यू लगाई गई। म्यांमार के बाद हेती में तख्तापलट की साजिश, राष्ट्रपति
होवेनल मोइफ ने जताई अपनी हत्या की आशंका। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने इस्तीफे की मांग की। आम चुनाव से दो हफ्ते पहले करप्शन मामले में इजराइल के पीएम पहुंचे अदालत, कोर्ट में बोले मैं दोषी नहीं हूं। नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, क्राइम मिनिस्टर लिखे हुए बैनर के साथ पहुंचे थे लोग। अमेरिका के अलास्का में भालू के हमले में बाल बाल बची पर्वतारोही की जान, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। ब्रिटेन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, पूर्वी इंग्लैंड में बर्फीले तूफान डॉर्सी ने मचाया कहर। जर्मनी में भी भारी बर्फबारी का सितम जारी, 200 से ज्यादा सड़क हादसे, 28 से ज्यादा लोग घायल। आरबीआई 10 फरवरी को 20,000 करोड़ रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदेगा, सरकार को फंड मुहैया कराने के लिए आरबीआई ने उठाया कदम। स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर 15वें वित्त कमीशन की सिफारिश, हेल्थ को लेकर राज्यों का खर्च 8% तक बढ़ाने की सलाह। व्हाट्सएप का विकल्प बन सकता है संदेश ऐप, सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रायल जारी। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक मोड़ पर मुकाबला, आज 5वें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए 381 रन चाहिए होंगे, तो वहीं इंग्लैंड को 9 विकेट की जरूरत होगी। ड्रोन कैमरे से भी अब होगी मैचों की रिकॉर्डिंग, सरकार ने बीसीसीआई को इजाजत दी।